हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चक्रवर्ती व्याज के बारे में कि चक्रवर्ती व्याज जो होता है वो क्या होता है और साधारण व्याज से कैसे अलग होता है और चक्रवर्ती व्याज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और हम इसे ट्रिक के माध्यम से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम चक्रवर्ती व्याज की छोटी छोटी मगर मोटी बातों से। यानी इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि मिश्र धन क्या होता है। सबसे पहले तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। जैसे साधारण ब्याज में जो है ब्याज हर बार सेम होता है, यानी हर साल जो ब्याज है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, एक तो होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन और एक होता है ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। इसमें से अगर हम मूलधन घटा दें, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें, यानी मूलधन क्या होता है, जो हमें हमारे पास जो राशि होती है जिस पे ब्याज लगता है उसे कहा जाता है मूलधन। तो अगर मिश्र धन में से हम मूलधन घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है समय और दर किस तरह से इसमें काउंट होती है। यानी छमाही अगर दिया हो तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी हमें पता है छमाही का क्या मतलब होता है, छमाही का मतलब होता है 6 महीने। यानी साल में, साल को अगर हम बांटे तो उसमें 2 बार 6 6 महीने अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 12 महीने यानी साल हो जाता है। तो टाइम को हमें क्या करना है, जब भी टाइम पीरियड हमें छमाही निकालना हो तो क्या करेंगे, टाइम का डबल कर देंगे। अगर तिमाही निकालना हो तो क्या करेंगे, टाइम का 4 गुना कर देंगे, क्योंकि हमें पता है तिमाही का मतलब क्या होता है, 3 महीने। यानी साल में अगर हम तीन तीन महीने देखें तो कितनी बार बन गए, 4 बार। इसमें अब छमाही के लिए दर क्या होगी, यानी छमाही में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से तिमाही में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर किसके बराबर है, अंतर बराबर मूलधन गुणे R/100 गुणे R/100, जहां आर क्या है, हमारी दर है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आज के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राशि हमें दी हुई है 8,000, दर कितनी दी हुई है, 10%, और समय कितना दिया हुआ है, 2 साल। यानी 8,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मूलधन दिया गया है वो ले लेंगे पहले, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे, क्या हो रहा है, हर साल 10% दर बढ़ रही है। यानी 100 के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी दर हमें दी है उसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 100 के अंदर ऐड करेंगे 10 तो क्या आ गया, 110। ये पहले साल का, इसके बाद दूसरे साल का, अगर आगे दिया हो तो इसी तरीके से तीसरे साल का, लेकिन हमें निकालना है 2 साल का। तो क्या करेंगे, 2 साल का हमने लिख लिया, इसके बाद इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 121, 121 को क्या करेंगे, इस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 9680 रुपये। अब ये जो 9680 रुपये दोस्तों आया है वो आया है हमारे पास मिश्र धन, लेकिन हमें पता है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन के अंदर तो ब्याज और जो मूलधन है वो दोनों काउंट होते हैं। तो हमें निकालना है ब्याज, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन के अंदर से क्या निकालेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ब्याज आ जाएगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 1680 रुपये। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2/1/2 यानी 2.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो अब हमें निकालना है 2.5 साल का, तो मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 20,000। मैंने कहा था साल के अंदर क्या करना है आपको, सॉरी 100 के अंदर क्या करना है, जैसे दर हो उसे प्लस कर देना है। तो क्या आ गया, 100 के अंदर 20 प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 120 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ गया, बटे में 100। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में करेंगे दूसरे साल का। अब 2 सालों का तो हो गया हमारा पूरा, इसके बाद है आधे साल का। तो आधे साल का मतलब क्या होता है, छमाही। तो अब छमाही में हम क्या करते हैं, जो दर दी होती है उसे क्या कर देते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी छमाही के लिए दर कितनी हो गई हमारी, 10। छमाही के लिए दर कितनी हो गई, 10। तो अब क्या करेंगे, 100 के अंदर इस 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 110। यानी पहले साल का तो पूरा आ गया 120/100, दूसरे साल का भी 120/100, लेकिन तीसरा साल क्या था, आधा था, तो इसलिए क्या आ गया, 110/100। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको काट देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से क्या कट जाएगी, एक ये जीरो और एक ये जीरो। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आ गया 31,680। अब ये क्या आया है, ये आया है मिश्र धन, तो हमें निकालना है ब्याज। तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से इस 20,000 को यानी मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 9,000 रुपए का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो मूलधन हमें दिया हुआ है कितना है, 9,000 रुपये, दर 3/1/3, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/3। अब हमें पता है हमें क्या करना होता है, 100 के अंदर इसको ऐड करना होता है, तो 100 के अंदर जब हम 10/3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 310/3। लेकिन जब हम ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो ये भी आ जाएगी, तो क्या आ गया, 310/300, यानी 1 साल का कितना आ गया, 310/300। तो ये आ गया दूसरे वर्ष का, ये आ गया, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे, मूलधन। तो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से, इसको काट देंगे, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 31 से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961। 961 को क्या करेंगे, अब इस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86,490। ये क्या आया है दोस्तों, ये आया है मिश्र धन, इसमें से मूलधन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशि हमें दी हुई है 30,000 रुपये का 20% की दर से 1/1/2 यानी 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक यानी छमाही लगती हो। यानी इस बार जो हमें ब्याज क्या लगाना है, छमाही लगानी है। तो हमें क्या पता है, हमें कि सबसे पहले क्या लिखना है, मूलधन, उसके बाद दर हमें दी हुई है 20%। अब 20% जो है वो साल के हिसाब से दी गई है,
तो हमें इसको कन्वर्ट करना है छमाही के हिसाब से। तो हमें पता है साल में छमाही कितनी होती है, दो। तो हम इसको क्या करेंगे, दर को दो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 10%। अब समय भी हमें कन्वर्ट करना है, तो समय को क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो से दो कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 3 वर्ष। यानी अब हमें 3 बार 110, 110 और 110 लगाना है। तो सबसे पहले जो राशि हमें दी है वो कितनी है, 30,000 मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे, अब 100 के अंदर ये जो 10 है ये ऐड होता जाएगा, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। तो क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो क्या आ गया, पहले 110/100, फिर 110/100 और फिर 110/100, 3 टाइम पूरा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे ये दो जीरो से, ये दो जीरो कट गई, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, ये जीरो से ये और इस जीरो से ये। इसके बाद अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 39,930। ये क्या आया है, ये आया है मूलधन, लेकिन हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो हम क्या करें, सॉरी, ये आया था हमारे पास मिश्रधन, मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 99,930 रुपये, यानी 9,930 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपये का 20% की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि जो ब्याज है वो तिमाही यानी त्रैमासिक लग रहा है। तो दर हमें दी हुई है 20, तो हमें पता है क्या करेंगे हम, साल में क्या है, तिमाही कितनी होती है, 4 होती है, तो क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, 5%। दर कितनी आ गई, 5%, और जो समय है उसे क्या करेंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 36। अब हमें पता है ये साल में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, 36 जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 12 × 36, यानी कितने साल बन गए, 3 साल। इस तरीके से आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको डायरेक्ट पता है, यानी जो 9 महीने हैं इसमें कितनी तिमाहियां होगी, 3 तिमाहियां होगी, यानी 3 + 3 + 3। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 3 और 3 6 और 3 9, यानी 3 बार। और हमें पता है कि साल में कितनी तिमाहियां होती है, 4, तो इसको हम क्या करेंगे, दर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी दर अब हमारे पास आ गई 5%, और समय 3 बार लगाना है, तो क्या करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई, अब दर ये है हमारे पास, यानी 5%, तो क्या करेंगे, 100 के अंदर क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, यानी 105/100, फिर दूसरी बार 105/100, फिर तीसरी बार 105/100, क्योंकि 3 बार लगाना है, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। तो अब हम इनको काट देंगे, तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 1 जीरो से 1 जीरो। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9261। 9261 क्या आया है हमारे पास, मिश्रधन। मिश्रधन में से हम क्या निकालेंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1261। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1261 जो है हमारे पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जो 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, 2880 हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो है वो क्या होगा, ब्याज और मूलधन दोनों ही इसके अंदर है, यानी ये हमारे पास क्या है, मिश्रधन है। तो मूलधन हमें निकालना है, मूलधन रखेंगे इधर,
दूसरी तरफ क्या रखेंगे, मिश्र धन। मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे 100 बटे जितना भी क्या है हमारे पास दर है, यानी 100 प्लस आर कितने टाइम के लिए है, दो टाइम के लिए, तो दो बार लिखेंगे, यानी 100 प्लस आर एक बार और लिखेंगे, तो क्या हो गया हमारे पास, मिश्र धन मल्टीप्लाई में 100 बटे 120 और 100 बटे 120। और अगर हम इसे परसेंटेज के तरीके से देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 120% और 120% के। अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, उससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जीरो से ये कट जाएगी, ये जीरो से ये कट जाएगी, इसके बाद अब हम इनको जब काट के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000, यानी जो मूलधन था वो कितना था, 2000 रुपये। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप आसानी से काट सकते हो। अगर मैं काटूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, आप इसको काट सकते हो आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की चक्रवर्ती दर से कितनी हो जाएगी, 8820 रुपये हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन बटे में क्या रखेंगे, मूलधन। अब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी सबसे पहले हम क्या, हमें हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, ब्रैकेट में क्या होता है, 1 प्लस आर बटे 100। तो जब हम आर बटे 100 लिखते हैं तो इसको जब, यहाँ पे आर हमारा क्या है, 5 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/20। 21/20, अब हमें देखना है कि इसको काटने के बाद यहाँ पे क्या बचे, जिसका अगर हम स्केयर या क्यूब करें तो हमारे पास, सॉरी किसका हम स्केयर करें या क्यूब करें तो हमारे पास 21 आए, यानी 21 का हम क्या करें कि हमारे पास 441 आ जाए, तो 21 का जब हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 441, और 20 का जब हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 400। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 21 का 21 बटे में 20, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका स्केयर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें पता है क्या होता है, टाइम होता है, यानी ये जो आ गया हमारा टाइम आ गया, तो टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।